चलो तो फिर शुरू करते हैं द डबल ड्रामे का एपिसोड नंबर 26। तो एपिसोड 26 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ड्यूक्स होते हैं वो अपने चले चपाटे से कह रहे होते हैं कि देखो ये सब तो सिर्फ एक दिखावा है, मतलब ये जो कुछ भी गेम बजा ना उसके बारे में पता लगाओ, जो तीन लोगों की मौत हुई है उनके बीच में लिंक क्या है ये पता लगाओ, तीन लोग मरने से पहले किसके पास गए थे, किससे बात किए थे ये बात पता लगाओ, और पता लगाओ कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ भी है ना ये सिर्फ एक दिखावा है, मतलब ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है, कुछ अलग होने वाला है। जिसके बाद से वो कहता है अच्छा ये बताओ जियांग फैमिली में क्या चल रहा है, तो लूजी बताता है कि जियांग फैमिली में कल वर्शिप का दिन है, वर्शिप का मतलब होता है कि वो लोग अपने पूर्वजों से प्रार्थना करेंगे आगे की जिंदगी के लिए, और इसी चीज का दिन है। और क्या दूसरी महिला जियांगली के लिए परेशान है, अगर आप कहें तो मैं जाकर पता लगा सकता हूँ कि वो ठीक है या नहीं है, उनके साथ क्या चल रहा है। तो फिर वो वहां से जब जाने लगता है लूजी, तो उनके मालिक जो होते हैं मतलब ड्यूक्सू से रोक देते, कहते रुको तुम ना जो मेन काम दिया गया है उस काम पे ज्यादा ध्यान दो। जिसके बाद से ड्यूक्सू यहाँ से चले जाते हैं, तो लूजी मांझी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, कभी तो ये कहते हैं उनका ध्यान रखने के लिए और आज ये नाराज हुए जा रहे हैं, मैं वहां पे जा रहा था। तो मांझी कहता है कि देखो जाहिर सी बात है जियांग ली ने उन्हें बुलाया नहीं, उन्हें धन्यवाद नहीं बोला, उन्हें पार्टी में नहीं बुलाया, इसलिए थोड़े से नाराज तो है ना वो। तो वो कहते हैं इसका मतलब वो उनकी चिंता नहीं करते हैं, तो मांझी कहता है ऐसी बात नहीं है, चिंता तो वो उनकी बहुत करते हैं, लेकिन तुम बुद्धू हो ना तुम कुछ समझ नहीं पाते। और उसके सर में टपरी मार के वहां से मांझी चला जाता है, जिसके वजह से जो हम लूजी को देखते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में इतना बुद्धू हूं। जियांग ली का घर का सीन दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि पिताजी और बाकी जितने भी पुरुष होते हैं वो सभी लोग जाके व्हाट्सएप यानी कि प्रार्थना कर रहे होते हैं अपने पूर्वजों से, और सभी लोग प्रार्थना करने के बाद वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सभी लेडीज जो होती हैं वो दूर खड़े होकर देख रही होती हैं। पुरुष लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना खत्म करने के बाद वहां से सभी लोग जाने लगते हैं, तो जियांग ली वहीं पर रुकी होती है और वो प्रार्थना करने के लिए अंदर चली जाती है। सभी लोग मना करने लगते हैं कि जियांग ली हमारे फैमिली का रूल है कि कोई भी लेडीज प्रार्थना करने के लिए नहीं जाती है। जियांग ली जाती है और अपने माँ यानी जियांग ली के मॉम का जो वो टॉम होता है उसको देखकर बताती है कि देखो मैं जियांग ली नहीं हूँ, मैं जियांग ली की जगह यहाँ पे आई हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए मैं जियांग ली को लेकर पूरा न्याय दिलाऊंगी। और अपने परिवार वालों से कहती है कि देखिए मैं आपके रूल को कोई ब्रेक नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, बस मैं अपने माँ से प्रार्थना करना चाहती हूँ। यहाँ पे सौतेली माँ जो होती है वो कहती है कि जियांग ली ऐसा मत करो, ये हमारे घर का रूल नहीं, हमारे घर का रूल है कि लेडीज जो है वो प्रार्थना नहीं कर सकती। यहाँ पे जियांग ली नहीं मानती और प्रार्थना करने लगती है। सौतेली माँ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसके पिताजी पहले तो रोक देते हैं, लेकिन सौतेली माँ नहीं रुकती, कहती नहीं हमें उन्हें रोकना चाहिए, और जाकर जियांग ली को उठा उठा कर लेकर हटाने लगती है कि हटो यहाँ से जियांग ली, तुम्हें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जियांग ली नहीं रुक रही होती है। हम देखते हैं कि यहीं पे एक पागल औरत आती है जो कि जियांग ली से दूर करती है सौतेली माँ को, और वहां पे एक छोटा सा खिलौना गिर जाता है और वो चिल्ला रही थी युवे से दूर रहो, युवे को कुछ मत करो। सौतेली माँ उसे पकड़ती है और एक थप्पड़ जड़ देती है, जिसके वजह से हम मिस्टर जियांग को देखते हैं जो लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं कि इस हु को जल्दी पकड़ो और लेके जाओ यहाँ से कैद करने के लिए। यहाँ पे उस औरत को लेके जाया जा रहा होता है, वो खिलौना उठा लेती है और युवे युवे करके चिल्लाते हुए जाने लगती है। हम देखते हैं इस औरत को जिसका नाम होता है हुए, मतलब हु, इसको हम हु कहेंगे, आंटी हु। जियांग ली खड़ी खड़ी देखती रहती है आंट हु के जाते हुए। सौतेली माँ के पति जी आते हैं जियांग और उनको कहते हैं तुम ठीक तो हो ना, और उसे वहां से ले जाते हैं, जिसके वजह से सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे बस चचेरा भाई रहता है और टोंग रहती है। चचेरा भाई से पूछती है जियांग ली कि वो कौन है, तो चचेरा भाई बताता है कि क्या तुम भूल गई, वो आंटी हु है, तुम बचपन में जब छोटी थी ना तो तुम उनके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहा करती थी, वैसे तुमने आज बहुत बहादुरी का काम किया। मैं हमेशा से यही सोचता था कि औरतों को वर्शिप करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता, सिर्फ औरतों को ही क्यों दबाया जाता है, औरतों को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद से वो कहती है कि आंटी हु के बारे में क्या, तो वो चचेरा भाई जो होता है वो बताता है कि तुम्हें पता है आंटी तुम्हारे पिता की रखेल थी, और एक बार क्या हुआ ना कि जब तुम्हारी माँ भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी उससे पहले ही आंट हु प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन दादी मैं ऐसा नहीं चाहती थी, दादी मैं ऐसा चाहती थी कि जो बैलेट पत्नी है वही पहले प्रेग्नेंट हो, इसलिए उनके प्रेगनेंसी के दौरान उनके बच्चे को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने उन्हें बचा लिया था, कहा था कभी इस बच्चे को रहने दीजिए, और दादी माँ ने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद से उनको एक बेटी हुई और तुम्हारी माँ और आंट हु ने मिलकर उसे बहुत अच्छे से पाला। कुछ समय बाद तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी, पूरे घर में खुशी की लहर छा गई, लेकिन अचानक से तुम्हारे जन्म के बाद ही तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, और फिर तुम्हारे पिता की दूसरी शादी हो गई जी सुरन से। जी सुरन के आने के बाद एक बार वो छोटी बच्ची यानी यी वे तालाब के किनारे खेल रही थी, जिससे उसका खिलौना तालाब के में गिर गया था, और वो तालाब के किनारे से उस खिलौने के खींचते खींचते वहीं तालाब में गिर गई और गिर के उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब दासी वहां से टहलते हुए जा रही थी तो उन्होंने उसकी तालाब में लाश पाई, उसी वक्त उसकी माँ उसके पास आई अपने युवक को जगाते जगाते, मतलब वो पूरी तरीके से पागल हो गई, मतलब उसको कुछ भी होश नहीं था, अपने बेटी के जाने के गम में वो पूरी तरीके से पागल हो गई। आंटी मतलब जो दादी माँ है उन्होंने कहा था उसे इस महल में रखना खतरनाक है, मतलब अपने जगह पे घर पे रखना खतरनाक है, इसीलिए उन्हें कहीं बंधक बना के रखा गया था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो गायब हो गई थी। तुम्हारी माँ सौतेली माँ यानी जी सुरन ने उन्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी, और उसके बाद से आज वो अचानक से यहाँ पे प्रकट हुई और किसी को इसके बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। कहती है अगर ऐसी बात है यानी बचपन में उन्होंने मुझे खिलाया है और मुझे इतना ज्यादा प्यार किया,
गया है तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो चचेरा भाई होता है वो कहता है लेकिन तुम नहीं मिल सकती, तुम्हें पता है ये सभी लोग अलाउड नहीं करेंगे। वो कहती है कि मैं नहीं जानती, आप कुछ ना कुछ करके कोई मौका निकालो, मुझे आंट हू से मिलना है, उनसे बातें करनी है। आगे जियांग ली इसके बारे में टोंग से भी पूछती है कि क्या तुम आंट हू के बारे में जानती थी। वो कहते हैं कि हाँ मैं जानती तो हूँ लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज्यादा छोटी थी तो नहीं पता था। वो कहते हैं कि मुझे उनमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कुछ स्ट्रेंथ था क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल नहीं है, बस पागल होने का दिखावा कर रही है। क्योंकि पता है जब उन्हें खींच के ले जाया जा रहा था ना तो उनकी नजरें मेरी तरफ टिकी हुई थी, वो मुझे देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी उनकी नजरें, तो मुझे उनसे मिलना है, कुछ करो। टोंग कहती है कि ठीक है हम कोई ना कोई व्यवस्था कराएंगे, जिसके बाद ये लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि जब गाड़ी में ये लोग बैठते हैं ना तो गाड़ी वाला इशारा करता है और ऊपर हम देखते हैं कि इसकी जो तीसरी बहन होती है ना वो भी इशारा करती है, मतलब इन लोगों का कुछ गेम चल रहा है। जियांग ली टोंग के साथ अपनी गाड़ी में बैठी होती है और मैडम के बारे में सोचते हुए वहां से जाने लगती है और बातें करते हुए कि मुझे उनसे मिलना है, कुछ बातें करनी है। हम देखते हैं कुछ दूरी जाके उनका घोड़ा वहां से भाग जाता है और इनकी गाड़ी यहीं पर टूट जाती है और ये लोग बाहर निकलते हैं। जियांग ली से टोंग पूछते हैं आप ठीक तो है ना, वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ से गुजर रही होती है इसकी तीसरी बहन रुया, तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या करिए। वो कहती है कि हमारा घोड़ा भाग गया है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, क्या बात है, मतलब हाँ मुझे तुम्हारी मदद तो करनी होगी वैसे जियांग फैमिली की जो हो। और अपने नौकरानी से कहती है कि तुम जाओ टोंग के साथ आ जाना, मैं जियांग ली को लेकर चली जाती हूँ। जियांग ली कहती है ऐसी बात है तो ठीक है धन्यवाद राइड के लिए और जाकर उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। जिसके बाद से अब ये दोनों की बातें होती है और जियांग ली कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो कहती है कि तुमने सुना ना मेरी क्वाई फैमिली से शादी होने वाली, अब तो तुम खुश हो ना, मिस्टर झाओ से मेरी शादी टूट गई। जियांग ली कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। वो एक एक करके अपनी सारी कड़वाहट खोलने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो वो कहती है जियांग ली कि लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो वो कहती है तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम आराम से वहाँ पे जनाब हॉल में रहती तो शायद हम लोगों को ये फ्रेमिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। जियांग ली कहती है क्या उस हॉल में रहना इतना ज्यादा आसान था, तुम्हें दर्द नहीं एहसास नहीं होता क्या, मुझे कितना दर्द हो रहा था। उसका हाथ दबा के दिखाती है, वो कहती है मुझे दर्द हो रहा है। तो जियांग ली कहती है इससे कई ज्यादा, इससे हजार गुना अधिक दर्द मुझे सहना पड़ा है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं जनाब हॉल में रहूं और मैं आकर अपना नाम भी साफ ना करूं, और तुम कहती हो कि तुम जियांग परिवार की एकलौती लीगल बेटी बनना चाहती हो लेकिन तुम एक पुरुष के लिए एक झाओ के लिए अपनी बहनों को फ्रेम करते फिर रही हो, क्या तुम्हें सब नहीं आती, तुम्हें नहीं लगता कि तुम लीगल बेटी हो तो तुम्हें लीगली कार्य भी करना चाहिए। यहाँ पे जो होता है ना रुयायो को थोड़ा बहुत एहसास तो हो रहा होता है लेकिन वो फिर भी अपने बातों पर अड़ी होती है। कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं मिस्टर झाओ से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उनके करीब रहना चाहती थी लेकिन तुमने क्या किया, तुमने आके सब कुछ बिगाड़ दिया और मेरी उस बेकार सी बहन से उसका शादी हो गया और अब मैं उसे पाना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है। जियांग ली समझाती है कि देखो तुम अगर लीगल बेटी बनना चाहती हो ना तो अच्छा काम करो, कम से कम अपनी बहनों को तो मत तड़पाओ, इन सब में अपने बहनों को घसीट घसीट कर उनका नाम बेकार करते जा रही हो और जियांग परिवार का नाम डुबाते जा रही हो और तुम लीगल बेटी अपने आप को कहती हो, बहुत ज्यादा उसको ताने मारने लगती है। यहाँ पे जो रुयायो होती है वो कहती है कि तुम्हें अपने किए का सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जियांग ली को धमकाते हुए एक जगह पे आके गाड़ी रुक जाती है, जहाँ पे जैसे जियांग ली बाहर देखती है तो एक आदमी उसके गले पे चाकू रख देता और कहता है बाहर निकलो। जियांग ली के गर्दन पे चाकू रख के उसे एक सुनसान सी जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे जो टूटा फूटा हुआ घर होता है उसी के अंदर यहाँ पे रुयायो आराम से चलती हुई आ रही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे आता है मिस्टर जो, मिस्टर जो बड़े ही आराम से आ रहा होता है। इसे देखकर जियांग ली वहां से भागने का प्रयास करती है, उनका हाथ छुड़ाती है और भागने लगती है लेकिन वो जो आदमी उसके गले पे चाकू रखा होता है ना वो उसे मार के वहीं पे बेहोश करता है। आगे की सीन में जब जियांग ली की होश खुलती है तो वो पूरी तरीके से बंदी होती है और कहीं कैद होती है। जियांग ली की आंख खुलती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं मिस्टर जो की होती है और इसके साथ उसकी थर्ड बहन की होती है रुओ याओ। ये दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे मिस्टर जो कहते हैं कि अब हम उन्हें पकड़ लिए हैं, तो रुआयो कहती है कि अब हम परिवार वालों से ढेर सारे पैसे मांग लेते हैं और उसे छोड़ देंगे, तुमने कहा था ना हम उसे जाने देंगे। जो कहता है नहीं तुम पागल हो क्या, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तो उसे जान से मारने वाला हूँ। रुआयो कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम, तुमने कहा था ना कि हम उसे पकड़ेंगे और फिर परिवार वालों से ढेर सारे पैसे मांगेंगे उसके किडनेपिंग के बदले और उसे आजाद कर देंगे। तो जाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं। जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे इसलिए पकड़ रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता था इसलिए क्योंकि तुम उस समय यहाँ की मतलब जियांग परिवार में सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला थी, मतलब पूरे एरिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं था, तुमसे अच्छा टैलेंटेड कोई नहीं था, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन अब वो आ गई, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, अच्छा म्यूजिक बजाती है तो मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। तो यहाँ पे रुआयो कहती है लेकिन तुम भूल गए कल रात तुमने क्या कहा था। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाओ उसको पकड़ के गले लगा लेता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पे ये लड़की कहती है कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है मेरी बहन के साथ तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूं, तुम ऐसा कैसे बात कर सकते हो। वो कह रहा है नहीं मैंने दिल से अभी तक उसे कभी नहीं अपनाया और जब पहली बार हमारे बीच जो गलती हुई है उसके बाद से मैंने अभी तक उसे कभी हाथ भी नहीं लगाया तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो कहते हैं लेकिन हमारे बीच में ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी क्यों फैमिली में कराना चाहती है। मिस्टर जाओ कहते हैं तो क्यों ना हम ये देश ही छोड़ के भाग जाए, हम
एरिया ही छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन हम लोग कैसे जाएंगे, हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं, अगर मैं घर से पैसे भी लाने की कोशिश करूँ तो माँ हमेशा मेरे ऊपर नजरें रखाए लगाए हुए हैं और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहाड़ों में ले चलूंगा, वहाँ पर मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, बड़े सुख से रखूंगा। यहाँ पे जो रुआया होती है वो कहती है कि लेकिन पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो जाओ कहता है कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है, हम क्या करते हैं ना जियांगली को बंधक बना लेते हैं, ये परिवार के साथ उसका अच्छा चल रहा है, रिश्ता है, तो उन लोगों से पैसे मांगेंगे, वो लोग भी दे देंगे, मतलब हम जियांग परिवार से भी मांगेंगे, वो लोग भी अच्छे खासे पैसे दे देंगे, अच्छा खासा पैसा होने के बाद हम उसे छोड़ देंगे और यहाँ से हम लोग दोनों भाग जाएंगे। और ये सारा सीन कट होने के बाद हम देखते हैं कि रुआया कहती है लेकिन तुम अब ऐसा क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि लेकिन मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं तुमसे शादी कर रहा था आराम से, वो चेना भॉल में रहती ना, यहाँ पे क्यों आई, यहाँ पे आके उसने मैस फैला दिया, जब मैंने उससे प्रपोज करने की कोशिश की उसने मुझे मना कर दिया, मुझे फ्रेम करने की उसने कोशिश की, मेरे साथ उस लड़की को सुला दिया जिसे तो मैं बिल्कुल भी चाहता भी नहीं हूँ, उस लड़की की मेरे साथ शादी हो गई, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना, मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। रियाया कहती है ये कैसी बातें कर रहे, वो कुछ भी हो वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे मरते कैसे देख सकता हूँ। तो वो कहता है कि देखो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम चिंता मत करो, जब उसका खात्मा हो जाएगा ना तो तुम ही दुनिया की मतलब यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला बन जाओगी, टैलेंटेड बन जाओगी और तुम जियांग परिवार में एकमात्र महिला होगी, तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत कौन होगा। और मैं परिवार वालों से बात करूंगा, मैं सबको मनाने की कोशिश करूंगा, हम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम्हें पता ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रोया वो उसे रोकती है, कहती नहीं नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, और वहां से भागने लगती है। मिस्टर जाओ को गुस्सा आता है, उसे पकड़ते हैं और एक मार के मतलब सर पे मारते हैं और वहां पे बेहोश हो जाती है, जिसके बाद से बेहोशी की हालत में उसे वहीं पे सुला देते हैं और कहते हैं जियांग ली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। जियांग ली को देखते हैं जिसके डर के मारे हालत खराब होती है, मिस्टर जाओ इसके पास आते हैं और कहते हैं कि कैसा तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और तुमने मुझे ही फ्रेम करने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी थी और मैंने तुम्हें बुलाया था उस बैंकेट हॉल में और तुमने उस फर्स्ट महिला को भेज दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यूं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। दूसरी महिला जियांग ली कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं अभी उस वक्त फ्रेम हुई थी और मैंने तुम्हें फ्रेम करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारी बहन यूए ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। खैर उस रात तो हम लोग सुहाग रात नहीं मना पाए, तो क्यों ना आज हम सुहाग दिन ही मना लें और अपने ऊपर वाला कपड़ा उतार देते हैं। यहाँ पे वो कहती है गुस्से के कारण कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने परिवार की प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम स्कॉलर हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अगर महामहिम को ये सारी बातें पता चली गई और राज्य में ये बातें फैल गई तो तुम्हारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी, तुम्हारा स्कॉलरशिप छिन जाएगा, तुम्हारे परिवार की कोई इज्जत नहीं रहेगी, सब शायद सबको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से, ऐसे कैसे, इस चाकू से मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा जिससे तुम लिख ना पाओ, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा जिससे तुम आंखें देखकर पहचान ना पाओ, तुम्हारा जुबान काट दूंगा तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगी, तुम्हारे पैर काट दूंगा तुम चल नहीं पाओगी, तुम कैसे बताओगी मेरे बारे में दुनिया को। तो वो फिर उसे जबरदस्ती करने जाता है तो जियांग ली कहती है रुक जाओ तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुमसे तुम्हें पता है ना कि मेरी बहन तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, तुम्हारे प्यार में ही वो पागल है और वो तुम्हारे लिए जो कुछ भी तुम कहते हो वो सब करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रुयाओ को होश आ गया होता है, ये सब कुछ वो सुन रही होती है। यहाँ पे जो मिस्टर जाओ होता है वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वो मेरे प्यार में पागल है, लेकिन तुम्हें पता है क्या, वो अपने माँ के हाथों की कठपुतली है, वो मुझसे प्यार तो बहुत करती है, मैं जैसा कहूँ वो वैसा ही करेगी, और वैसे भी अभी वो बेहोश है, वो कुछ भी नहीं जानती, और आगे तुम उसके होश में आने के बाद मैं उसे समझा लूंगा अपने प्यार में, मेरे प्यार में वो इतनी पूरी तरीके से पागल है ना कि मैं उसे जो कहूंगा वो करने को तैयार हो जाएगी, मैं उसे झूठ बोलने को कहूंगा तो वो झूठ बोलेगी, मैं उसे कहूंगा खून करने को तो वो खून कर देगी। चिंता मत करो जियांग ली, मैं उसे समझा लूंगा, जो भी करना है वो सब कुछ कर लेगी। और यहाँ पे जियांग ली उसे बातों में फंसाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, यानी जियांग ली के साथ। अब ये जबरदस्ती करता है, इससे पहले हम देखते हैं कि रुआया आ जाती है और मिस्टर झाओ के सर पे एक पत्थर दे मारती है, जिससे मिस्टर झाओ वहीं पे बेहोश हो जाते हैं और रुआया वहीं पे बैठ के रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मैंने खून कर दिया, मैंने कत्ल कर दिया। हम जियांग ली को देखते हैं जो चाकू उठाती है और अपना हाथ की रस्सी काट लेती है कि मिस्टर झाओ जिंदा है या नहीं। उसके बाद से कहती है कि तुम चिंता मत करो, उसकी मृत्यु नहीं हुई है और चलो यहाँ से, और हाँ अब तुम खुद सोच लेना घर पे जाके तुम घर वालों को क्या जवाब देने वाली हो। जिसके बाद से जियांग ली गुस्से में मतलब सैड होती है और वहां से चली जाती है। यहाँ पे हम रुआ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, रोते रोते फिर उठती है और वहां से भाग जाती है। दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर झाओ बेहोश होते हैं और यहीं पे वही नकाब वाली लड़की आती है और उसको देखती है कि वो हम सतलीमा को देखते हैं जो कि मंत्रा के साथ होती है, बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है कि आखिर उनकी बेटी अभी तक वापस क्यों नहीं आई। यहाँ पे एक नौकरानी आके बताती है, तो जो मंत्रा होती है वो उनसे बताती है कि आपकी बेटी और जियांग ली दोनों एक साथ आई है और आपको पता है आपकी बेटी के हाथों में और कुछ कपड़ों में खून भी लगा हुआ है। सतलीमा जाके अपने बेटी को खूब ज्यादा डांटती है और कहती है कि तुम इतनी ज्यादा फुलिस कैसे हो सकती हो, बेकार लड़की
कि मैंने तुमसे कितनी बार समझाया था, सोच समझ के काम किया करो, तुम वहाँ से भाग क्यों नहीं गई। वो कहती है कि माँ अब मैं क्या करूँ, मैं तो बुरी तरीके से फंस गई, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसकी माँ कहती है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक इस कमरे से बाहर मत निकलना, और बाहर निकलती है दरवाजा को बंद करवा देती है। यहाँ पर मंत्रा समझा रही होती कि आपकी अपनी बेटी को ध्यान से समझाना चाहिए और उनको इस समय सांत्वना देना चाहिए। वो कहती है कि ये सब छोड़ो, तुम जाकर युवे से मिलो और युवे से एक बात कहो, और कान में बताती है। जिसके बाद से हम युवे को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर जाओ बेहोश होते हैं और उनकी माँ बहुत ही ज्यादा रो रही होती हैं। यहाँ पे युवे बताती है कि मैं वहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि माँ से जियांगली निकल रही थी, और अंदर मैंने देखा तो मेरे पति वहाँ पे खून पे लथपथ पड़े थे। मिस्टर जाओ की माँ जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है कि वो मेरा बेटा कहीं मर ना जाए, मेरा बेटा कहीं मर ना जाए, ऐसे मतलब जोर जोर से चिल्ला रही होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि युवे ने भी ये सारा खेल मिलाकर जियांगली के ऊपर दोष लगा दिया। आगे के सीन में हम जाओ के मॉम को देखते हैं जो कि तमाशा करने के लिए जियांग रेजिडेंस में पहुंच जाती है और कहती है कि जियांगली ने मेरे बेटे को पूरी तरीके से जान से मार दिया, वो अभी बेड पे पड़ा हुआ है, इतना हेल्दी मैन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सौतेली मॉम मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ हम युवे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। यहाँ पे लूजी आकर महाराज से यानी अपने ड्यूक्सू से बताता है कि ड्यूक्सू आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कहते हैं क्या हुआ, तुम इतने एक्साइटेड मतलब इतने परेशान क्यों लग रहे हो। लूजी कहता है कि आपको पता है जो जियांगली मैडम है ना वो ट्रबल में है। दूसरे सीन में हम जियांगली को देखते हैं जो कि अपने हाथों में जो चोट लगा होता है उसे दवाई वाई लगा रही होती है। तो मंत्रा आकर बताती है कि आपको पिताजी ने हॉल में बुलाया है, जिसके बाद से जियांगली हॉल में आती है। तो जियांगली सबके सामने आती है जहाँ पे पिताजी कहते हैं कि बताओ ये सब क्या हुआ, मतलब इनकी माँ जो है वो तुम्हारे ऊपर ये आरोप लगा रही है कि तुमने मिस्टर जाओ को जान से मारने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त मैं बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। दरअसल वहां से मेरी थर्ड सिस्टर जो है रूए वो वहां से गुजर रही थी और उसने मुझे बचाने की कोशिश में उन्हें मार दिया और जरा जोर से लगे इसी वजह से वो बेहोश हो गए। तो यहाँ पे उनकी माँ जो होती है वो कहती है क्या तुम बकवास कर रही हो, तुम्हारी इज्जत उठना, बकवास बातें कर रही हो तुम उनसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और जब तुम पास नहीं हो पाई तो तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। वो कहते हैं अच्छा तो मैंने सेड्यूस करने की कोशिश तो मेरे हाथों का ये निशान कैसा है, क्या उसने मुझे बांधा नहीं था, उसने मुझे बांधा था इसी वजह से मेरे हाथों पर ये निशान हुआ। कहते हैं कि पिताजी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप रोजाओ को बुलाइए और सारी बात साफ हो जाएगी। जिसके वजह से जियांगली के पिता जो है सौतेली माँ से कहते हैं रोजाओ को बुलाने के लिए। सौतेली माँ जाती है और रोजाओ को कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ पे जाकर कहना होगा और मैं जो कहूंगी तुम वही कहोगी। तुम ये कहोगी तुम्हारा जियांगली से कोई लेना देना नहीं है, तुमने वहाँ पे किसी को ऐसा करते हुए नहीं देखा, ना तुमने मारा, कुछ भी नहीं, तुम बस शांत रहोगी, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना, तुम्हें बस ये कहना है कि तुम वहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए गई थी, तुम्हारी जियांगली से मुलाकात नहीं हुई। वो कहती है कि माँ मेरी कोई बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं हूँ, जब आपका काम निकलवाना होता है आप वही करती हैं, आपको जो करवाना होता है वही कहती हैं, मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं, मेरी फीलिंग्स की कोई चिंता है या नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती माँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। उसकी माँ कहती है मेरी बात सुनो और चलो यहाँ से, तैयार हो जाओ। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जो उसकी बहन होती है वो आ जाती है सबके सामने। मिस्टर झाओ की मॉम रोयाओ का हाथ पकड़ के कहती है कि रोयाओ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मिस्टर झाओ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, तुम बचपन से उसके साथ पली बड़ी हो, उससे प्यार करती हो, तुम उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी, तुम सच्चाई बता दो, सबको बता दो कि ये सब जियांगली की वजह से हुआ था। जियांगली कहती है कि रोयाओ तुम सच बताओ, तो वो पूछती है कि क्या बताना है। जिसके वजह से जियांगली बताती है कि देखो मैंने इन लोगों को वो सच्चाई बता दी है कि उस वक्त वो मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे और तुम वहां से गुजर रही थी तो तुमने मेरी मदद करने में उन्हें मारा था। तो यहाँ पे ये सोचकर हैरान हो जाती है कि ये तो मेरा नाम नहीं बता रही है, लेकिन फिर भी रोयाओ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, मतलब कुछ भी नहीं बोल रही होती है। जियांगली कहती है कि रोयाओ तुम तक कब तक शांत रहोगी, अब तो अपनी सच्चाई बता दो, सबको बताओ कि तुमने उसे मारा था, वो मुझे जान से बचाने के लिए मतलब मेरी जान बचाने के लिए तुमने उस पर प्रहार किया था, तुमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, सबको सच बताओ, रोयाओ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। झाओ की मॉम जो होती है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, जियांगली को पकड़ लो, हम इसे जेल में ले जाएंगे, हम इसे कैद जरूर करवाएंगे, और जियांगली को खींच के ले जाने लगती है। जियांगली कहती है छोड़ो मेरा हाथ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक रोयाओ कुछ ना कुछ बोलना दे, रोयाओ को तो सच्चाई बोलनी होगी, रोयाओ तुम सच्चाई बताओ, आखिर तुम कब तक ऐसे शांत रहोगी, कब तक ऐसे दरवाजे के पीछे छिपती रहोगी, तुम सच बताओ, तुम सच क्यों नहीं बताती, मुझे पता है कि तुम सच बता सकती हो, सबको सच्चाई बताओ कि सच्चाई क्या है। और दस मिस्टर जाओ की मॉम चिल्ला रही होती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, जियांगली को पकड़ो, हम इसे जेल ले जाएंगे। लेकिन जब सभी लोग कुछ भी नहीं मान रहे होते और रोयाओ को उसकी सौतेली मॉम जो होती है ना जियांगली की, वो कहती है कि रोयाओ तुम जाओ कमरे में आराम करो, उसे लेकर जाने लगती है। जिसके वजह से जियांगली को जेल में लेकर जाने वाला होते हैं लोग, तभी हम देखते हैं कि रोयाओ दौड़ते हुए आती है और घुटनों के बल बैठ जाती है, कहती है कि पिताजी मैं सच बताना चाहती हूँ, दरअसल मिस्टर झाओ ने जियांगली पर हमला किया था, वो उसकी इज्जत लूटना चाहते थे और मैं उसे जान से मारना नहीं चाहती थी, बस मैंने उसे जियांगली को बचाने की कोशिश की और इसी में उसको ज्यादा जोर से चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। मिस्टर झाओ की जो मॉम होती है वो चिल्लाने लगती है, कहती है कि ये बकवास कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो तुम लड़की, मैं जेल जाऊंगी, मैं जेल में जाकर तुम लोगों के खिलाफ मैं गवाही दूंगी, मैं बताऊंगी तुम लोगों ने मेरे बेटे को कैसे मारा है। और मिस्टर जियांग से कहते हैं कि मिस्टर जियांग हमें न्याय चाहिए, मिस्टर जियांग कहते हैं न्याय, तुम जेल जाना चाहती हो ना, चलो मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन और मैं खुद जाकर रिपोर्ट लिखवाऊंगा अपनी बेटी की तरफ से तुम्हारे
बेटे ने मेरे बेटे के लिए क्या किया था, चलो मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। और उसके बाद से वो अपने बेटी की तरफ से मिस्टर जियांग बोलने लगते हैं। मिस्टर जाओ की जो मॉम होती है ना, वो तो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूं, और वहां पे बेहोश हो जाती है। सौतेली माँ जाओ की मॉम को संभालती है, और वो तो बस आराम से बैठी होती है टेंशन के कारण कि अब क्या होगा, और उसकी माँ उसे घूर कर देखती है। आगे जियांग ली और टोंग वहां से जा रही होती है, तो रुजाओ आती है और उसे कहती है कि जियांग ली आखिर तुमने सबके सामने मेरा नाम सच क्यों नहीं बताया, सच सच सब कुछ क्यों नहीं बताया। वो कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें सजा हो, तुम मेरी बहन हो आखिरकार, और वैसे भी तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, तुमने पहले ही बताया था कि तुम्हें इन सबके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैंने वहां पे सब कुछ सुन लिया था, उसने तुम्हें फ्रेम करने की कोशिश की थी। वो कहती है कि तुम मेरे पर अच्छाई करने की कोशिश क्यों कर रही हो, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो स्टेज देख रही हो वहां पे मेरा यंग होने पर मेरे लिए सेरेमनी रखी गई थी, लेकिन उसकी स्पोर्ट्स लाइफ तुमने मुझसे छीन ली, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा करियर, हर एक चीज मुझसे छीन ली, तुम्हारे आने के बाद सब कुछ मुझसे दूर हो गया और तुम अब अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो। जियांग ली कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना है, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि मैंने देखा है मिस्टर जाओ को तुम जिस तरीके से प्यार करती हो, उसके बुरा होने के बाद भी तुमने उससे इतना ज्यादा प्यार किया, तुम्हारे लिए क्यूआई फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जाओ फैमिली से ज्यादा बड़ी भी है और तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इज्जत भी करेगी, तुम वहां जाओ एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो और सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो यहाँ पे रुजाओ कहती है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या चाहती हूँ, सब बस अपने मन वाली करते हैं, और वहां से रोते हुए चली जाती है। आगे जियांग ली और टोंग वहीं पे खड़े होते हैं, तभी कोई आदमी आता है और बताता है कि बाहर आपसे कोई मिलने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे जियांग ली दौड़ते हुए चली जाती है, जहां अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सीजी वहां पे खड़ा होता है और जियांग ली के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। टोंग आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो ये सीजी बताते हैं मुझे जैसे ही पता चला कि जियांग ली के साथ बुरा हुआ है, मैं उसे मिलने के लिए चला आया, वो ठीक तो है ना, और मिस्टर जाओ का क्या हुआ, क्या मामला सुलट गया? तो टोंग बताती है कि हाँ सब कुछ सिमट गया है मामला और सब कुछ ठीक हो गया, मतलब जियांग ली की जो न्याय था मतलब हो गया है, जियांग ली के तरफ से बात बन गई है और जियांग ली बेकसूर साबित हो गई है। तो यहाँ पे मिस्टर जो ये सीरी होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ जियांग ली कहाँ है, वो ठीक तो है ना, वो अब अच्छा महसूस तो करिए ना। तो टोंग उसे कुछ नहीं बताती है और बस चुप रहती है। तो यहाँ पे जो ये सीरी होते हैं वो कहते हैं कि कुछ मैं बताओ, मैं समझ गया जियांग ली कहाँ गई, और वहां से मिस्टर ये सीरी अपना मुंह लटकाए हुए चले जाते हैं। हम जियांग ली को देखते हैं जो कि ड्यूक सू से मिलने के लिए आई होती है। ड्यूक सू कहते हैं कि आइए मैंने आपको खाने पर बुलाया है। तो जियांग ली कहते हैं कि हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके वजह से जाके वहां पे बैठ जाती है और वो उनसे चेस करती है, दारू पीती है। और ड्यूक सू जो होते हैं उससे कहते हैं कि वैसे आप आज थोड़ा थकी हुई लग रही हैं। वो कहती है कि हाँ मैंने बहुत सारा काम किया ना, इसलिए बस थोड़ा सा थक गई हूँ। मिस्टर जो ड्यूक सू होते हैं वो बताते हैं कि तुम सीटू के बारे में पूछ रही थी ना, सीटू अभी तक कैपिटल में नहीं है, जब कैपिटल में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। जियांग ली कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबके तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद से शराब का एक सिप लेती है, जिसके बाद से वो वहीं पर सोने लगती है। तो ड्यूक सू कहते हैं कि क्या तुम एक सिप लेने के बाद ही टोन हो गई, मतलब इतना ज्यादा पी लिया क्या तुमने? तो वो कहती है नहीं मैं बस थोड़ी सी थकी हुई हूँ। तो ड्यूक सू कहते हैं ठीक है फिर आराम कर लो। और फिर हम जियांग ली को देखते हैं जो कि ड्यूक सू के जगह पे ही आराम से लेती होती है, यानी सोई होती है, आराम कर रही होती है। ड्यूक सू कहते हैं अब तुम यहीं पे सो जाओ, और ड्यूक सू बस बैठे बैठे जियांग ली को निहार रहे होते हैं। जियांग ली आज ड्यूक सू के जगह पे आराम से मतलब पीसफुली नींद ले रही होती है, बहुत अच्छे से सो रही होती है। हम देखते हैं कि जब ये सो रही होती है इसका हाथ नीचे आता है ना, तो इसके हाथ पे लगा हुआ घाव मतलब जो रस्सियों के बांधने से हो गया होता है वो भी ड्यूक सू की नजरों में जाता है। ड्यूक सू ये देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर ना बहुत ही ज्यादा कचोटता है उन्हें कि मेरे होते हुए उसे इतनी ज्यादा चोट लगी, जिसके वजह से ड्यूक सू उसके पास जाते हैं और उसे एक विसल देते हुए कहते हैं कि ये विसल लो, जब भी तुम खतरे में पड़ो ना तो इस विसल को बजा देना और मेरे आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। तो जियांग ली कहते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ लोग हैं जो हमेशा से मेरा पीछा कर रहे हैं ना। ड्यूक सू कहते हैं कि ऐसा तुम समझ सकती हो, लेकिन ये विसल तुम अपने पास रखो, तुम्हारे बहुत काम की होने वाली है, जिसके वजह से जियांग ली उस विसल को लेकर अपने पास रख लेती है। ड्यूक सू कहते हैं फ्लर्टिंग करते हुए वैसे तुम्हें पता है क्या, मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं अपना गेम स्टार्ट करूँ, लेकिन कोई है जिसने मेरी जगह ले ली है। और जियांग ली के ठुड्डी को अपने पंखे से वो करके अपने तरफ दिखाते हैं और फिर मतलब ये फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं जियांग ली से। और यहीं पे ये एपिसोड या ड्रामा मतलब ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। रुको 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 रुको, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना, अच्छा लगता है। बाय।